गर्मियों के मौसम को देखते हुए अनेकों सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्याऊ घर की स्थापना की जाती है, जिससे रास्तों पर आवागमन कर रहे लोगों की प्यास बुझाई जा सके और समाज सेवा भी की जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने फरीदनगर में ईदगाह चौक पर एक सार्वजनिक शीतल प्याऊ घर की स्थापना की है, जहाँ पहले ही दिन उद्घाटन के अवसर पर राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया और इसी तरह के ठंडे प्याऊ घर शहर के अन्य स्थानों में भी स्थापित करने की पहल सोसाइटी द्वारा की जा रही है। समय समय पर सोसाइटी के मेंबर अपना समय प्याऊ घर पर देते रहेंगे और शुद्ध शीतल जल के साथ ठंडे शरबत का वितरण भी करते रहेंगे। आने जाने वाले लोगों को अब घर जैसा शुद्ध व ठंडा पानी चौक पर ही मिल पाएगा। जी हाँ, ये भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी का पहल है कि ये चौक पर बहुत व्यवस्थित चौक है, यहाँ ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है, तो उनके लिए फिल्टर युक्त ठंडा पानी का यहाँ मशीन लगाई गई है, ताकि आते जाते राहगीर अच्छा पानी पी सकें। और ये पूरे दिन चलेगा और 12 महीने चलेगा, और भविष्य में भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी और जगहों में भी यह काम करने जा रही है। धन्यवाद। ये सर, हम लोगों ने आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है, और यह हमारी भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये पहला प्याऊ यहाँ पर लगाया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए और लोगों का इस जगह पर बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, और इसको हम लोगों ने समझा। और पानी ऐसी चीज़ है कि राहगीर को, हर किसी को बहुत ज़रूरी है, इस गर्मी के सीज़न में ख़ास तौर से। उन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमारी टीम ने ये काम किया और आज इसका उद्घाटन किया, और इस मौके पे हमारी टीम खुशी और गौरवान्वित फील महसूस कर रही है। आज ईदगाह चौक बाबा फरीद नगर जुनवानी रोड कोका में सार्वजनिक प्याऊ भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उद्घाटन किया गया है, और आज यहाँ पर हमारी कमेटी के सदस्यों द्वारा निःशुल्क रूप से श्रमदान करते हुए राहगीरों को शरबत पिलाया जा रहा है, रूअफजा का शरबत पिलाया जा रहा है। और अक्सर फ्राइडे और सैटरडे के दिन, जिस दिन भी हमें छुट्टी का मौका मिलेगा, तो हमारी सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा श्रमदान करके मानव सेवा की जाएगी। गर्मी का दिन आ गया है, इसको देखते हुए पहला हमारे सोसाइटी के द्वारा पहला वाटर कूलर लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी का है, टाटा प्रोडक्ट है, वोल्टास का, और इसका क्षमता 80 लीटर है और 40 लीटर एक घंटे में कूलिंग की क्षमता है, और हाइजीनिक है, फुली साफ़ सुथरा क्लीन है, और यहाँ पर फिल्टर भी है, और अच्छा पानी जो गरीब जनता को, जो गरीब लोग हैं या जो राहगीर लोग हैं, जो भी देखते हैं, रईस भी हैं और देखते हैं कि हाइजीनिक नहीं है या साफ़ सुथरा नहीं है या मटका है, वहाँ पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, वो सब कुछ सुविधाओं को देखते हुए एकदम हाइजीनिक रूप से साफ़ सुथरा प्याऊ हमारी संस्था के द्वारा लगाया गया है, और आगे भी और भी जगहों में सार्वजनिक स्थानों पे रोड में लगाने का इरादा है। और इसमें हमारी कंपनी, हमारी जो कमेटी है, उसके सदर हमारे यासीन भाई और हमारे जो और जो लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा श्रमदान किया है, पूरी कमेटी के और भी यहाँ के निवासियों ने सहयोग किया है, और जिसके वजह से आज हम ये काम कर पाए हैं। और ये काम नेक काम है, पानी पिलाना और खाना खिलाना ये दुनिया का सबसे अच्छा काम माना जाता है, और इससे बड़ा अच्छा कोई काम नहीं हो सकता कि प्यासे को पानी पिलाया जाए। तो इस नियत से हम लोग यहाँ पर गर्मी में पहला प्याऊ यहाँ चालू किए हैं फरीदनगर जुनवानी रोड में, और आज हम लोग शरबत बांट रहे हैं, साथ में 24 घंटा यहाँ पर कूलिंग कूलर ठंडा पानी मिलेगा।